नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है सिंकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है 9.21 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ये इसने 2% का सर्किट में दिया हुआ है और ये 0.18 पैसे बढ़ा हुआ है। दोस्तों, ये स्टॉक पहले काफ़ी कुछ महीनों से अपर सर्किट में ही क्लोज हो रहा है। अगर हम इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 3 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था और वहाँ से गिन के काफ़ी नीचे आया और वहाँ से वापस ये अपर सर्किट लगाते हुए 9.21 रुपये तक पहुँचा हुआ है। इसकी 2 साल की भी चार्ट आप देख सकते हैं, ये करीब 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर बढ़ा है, 9.21 रुपये तक वो पहुँचा हुआ है। तो दोस्तों, ये पिछले 3 महीनों से लगातार अपर सर्किट में ही क्लोज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अपर सर्किट बनाते हुए 9.21 रुपये तक पहुँचा हुआ है। अभी हम इसकी डिलीवरी चेक करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छी डिलीवरीज हैं। लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं, वो मतलब बेच नहीं रहे हैं, अपने पास से रख रहे हैं। लेकिन 9 जून को डिलीवरी है 85%, उसके बाद 10 जून को है 91%, 11 जून को है 87.9%। काफ़ी अच्छी डिलीवरी है। वीकली चाहे वीकली भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी ली हुई है लोगों ने। ठीक है, आप देख रहे हो जो कि 30 मई तो 5 जून का जो है उसमें 62% डिलीवरी है, 6 जून को 12 जून में 75% डिलीवरी है। इसके अगर मंथली में भी देखेंगे तो देखिए, जनवरी में 79% की डिलीवरी है, उसके बाद जून में 86% की डिलीवरी है। इसका हम अपडेट चेक करते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है। न्यूज़ में तो कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट में इन्होंने देखे एक सर्टिफिकेट फॉर कॉम लियंस अंडर रेगुलेशंस 49 ऑफ से भी इन्होंने फाइल किया हुआ है 20 अप्रैल 2021 को। कॉर्पोरेट एक्शंस में देखिए, डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ 2017 में, 21 सितंबर 2017 2% का 0.02% शेयर है। फीड्स में देखते हैं, इसे बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनी 2021 का। टेक्निकल्स में देखते हैं तो इसने 5 ईयर्स में 334.43% रिटर्न दिया है, और 2 ईयर्स में 802.94% रिटर्न दिया, 1 ईयर में 648.78% रिटर्न दिया हुआ है, 6 मंथ में 203.96%, 1 मंथ में 52.74% रिटर्न दिया हुआ है। बाकी डेली 1.99% के सर्किट को तो क्लोज अपर सर्किट में क्लोज होता ही है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ लेवल भी चेक कर सकते हैं। डे का जो हाई है 9.21 का है, डे का जो लो है 9.21, डे में जब ओपन हुआ था 9.21 पे ओपन हुआ था, प्रीवियस डे का जो क्लोज है 9.03 रुपीज़ का, डे का जो लो है 8.95 रुपीज़ का है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं, इंडिकेटर्स सभी इंडिकेटर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। RSI पॉजिटिव है, उसके बाद स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, सभी इंडिकेटर्स यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अभी हम इसका फंडामेंटल चेक करते हैं। तो देखिए, जो फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, इंडस्ट्रीज की फार्मास्यूटिकल है, जो प्राइस है 9.21 पे ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप 727.55 करोड़ का है। इसका जो इंडस्ट्री पी है 30.84, इसकी जो पी है 20.28% की है, 79 करोड़ इसके शेयर है, फेस वैल्यू 1 की है। बाकी इसका हम रिजल्ट भी देखते हैं। इसका जो रिजल्ट है दिसंबर 2020 का है, इसमें देख सकते हैं आप, तो नेट प्रॉफिट जो उसने दिया हुआ है 10.02 करोड़ का दिया हुआ है, जिसका EPS है 0.13%। हम रेशियो भी चेक करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो इसने दिया हुआ है वो है 10.24% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12.32% का है, रिटर्न ऑन एसेट जो है 7.92% का। इसका हम फाइनेंशियल चेक करते हैं। फाइनेंशियल में आप देखोगे तो इसकी एसेट लाइबिलिटीज़ है 2016 में 180.65 करोड़ की थी, अब ये बढ़ के हो गई है 183.94 करोड़ है। इसकी हम
बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। बैलेंस शीट में आप देखोगे कि जो इसकी जो टोटल एसेट्स है 183.94 करोड़ की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हम चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो आपको दिखाई देगा वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 14.25 करोड़। और हम कैश फ्लो भी देखते हैं, कैश फ्लो आप देखोगे तो 8 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम चेक करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है प्रमोटर के पास 41.18% शेयर है। रिसेंटली उन्होंने शेयर होल्डिंग बढ़ाई हुई है, पहले इसके कंपेरिजन में इनकी शेयर मैंने शेयर होल्डिंग बढ़ा के 41.18% की है। पब्लिक के पास 58.82% शेयर हैं। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने के पास जो भी शेयर उन्होंने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे शेयर होल्डर्स के नाम दिए हुए हैं, काफ़ी शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, बंक द फैमिली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे। देखते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग अभी तो नहीं होल्डिंग लेकिन फ्यूचर में आ सकती है। बाकी हम डील्स भी हम चेक करते हैं। इसमें काफ़ी ब्लॉक डील्स बल्क लीक्स हो रही है, लोग खरीद रहे हैं बेच भी रहे हैं यहाँ पे। ब्लॉक डील भी यहाँ पे हो रही है। देखिए समीर गुप्ता ने यहाँ पे लिया हुआ था 1.20 लाख शेयर बाय किए हुए हैं 1.46 रुपीज़ में, सोल्ड भी किए हुए हैं। ठीक है तो दोस्तों अभी हम वापस इसके प्राइस पे आते हैं। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इसने पहले से 3 रुपये से चला हुआ है और लगातार अपर सर्किट में क्लोज हो रहा है पिछले 3 महीनों में, और ये आगे चल के भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर एक बार ये 11 रुपये का लेवल क्रॉस करता है तो काफ़ी आगे तक जा सकता है भविष्य में। तो दोस्तों शेयर मार्केट में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।